हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी, वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल सेशन अबाउट बैंकिंग एग्जाम 2024। यस, सो आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स जो रिलेटेड होंगे बैंक एग्जाम से। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं। 2024 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो ये वीडियो आप सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनका पेपर का पैटर्न बैंकिंग पैटर्न पे आधार पे होता है। सबसे पहले इसमें जो मेजर एग्जाम है वो है SBI और IBPS। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पेपर अलग निकालता है और बाकी जितने भी बैंक होते हैं वो अपना पेपर, नेशनलाइज जो बैंक होते हैं वो IBPS के थ्रू निकालते हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस में भी और भी रेगुलेटरी बॉडी है जिनका पेपर बैंकिंग पैटर्न के आधार पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक या दो पेपर दे पाएंगे, आप ढेरों पेपर दे पाएंगे। और अगर आप मेहनत करते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन आप पेपर क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि 2022 में और 2023 में बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें कितनी वैकेंसी आई थी। तो 2022 में बात करते हैं। देखिए, SBI PO और SBI clerk, SBI के दो पेपर यहाँ पे निकलते हैं। SBI PO में वैकेंसी थी 1673 2022 में और अभी निकली है 2023 में, ठीक है। और SBI क्लर्क में देखें, पिछली बार 5500 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार काफी ज्यादा वैकेंसी है, 8773, राइट। IBPS के भी कई पेपर होते हैं। IBPS में भी PO प्रोबेशनरी ऑफिसर निकलता है, क्लर्क निकलता है, जैसे SBI में भी निकलता था। ऐसे IBPS में RRB भी होते हैं स्टूडेंट्स, जो होते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिन्हें ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, उसमें भी PO और उसमें भी क्लर्क निकलता है। तो ये 6 बड़े एग्जाम हैं जो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही एग्जाम होते हैं, और भी ढेरों एग्जाम होते हैं, मैं सिर्फ इन्हीं का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखिए, IBPS PO में पिछली बार लगभग 8,500 वैकेंसी आई, जो यहाँ पे 2023 में 5,500 हो गई। IBPS क्लर्क में 7,000 के आसपास थी, जो यहाँ पे हो गई 5,500। RRB में 2,800 थी, जो यहाँ पे हो गई 2,500। RRB क्लर्क में 4,500 थी, जो यहाँ पे हो गई 5,500। थोड़ी बहुत वैकेंसी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अगर आप टोटल देखें तो यहाँ पे 30,000 के आसपास जो है बैंकिंग जॉब्स निकल रही हैं पिछले 2 साल में। पहले वैकेंसी बहुत ज्यादा होती थी, अभी थोड़ी कम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप बात करो तो 30,000 वैकेंसीज हैं सिर्फ इन 6 एग्जाम में, जो आप ग्रेजुएशन बेसिस पे दे सकते हो, राइट। तो अगर आप तैयारी करोगे, आप ये 6 एग्जाम दोगे, तो कोई ना कोई एक पेपर आप निकाल सकते हो। आपके पास पूरे 1 साल का टाइम है। ये पेपर जो है वो अगस्त से अगले साल से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, IBPS जो है वो अपना कैलेंडर जो है पहले ही निकाल देता है। तो IBPS का कैलेंडर कब आएगा स्टूडेंट? जनवरी में आएगा, मे बी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाए, थर्ड वीक में आ जाए। तो IBPS का कैलेंडर आ जाता है। IBPS PO क्लर्क, RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, ये 4 एग्जाम उसके अंदर आपको पहले से ही पता लग जाएंगे। और IBPS का एक और पेपर होता है SO, वो प्रोफेशनल के लिए होता है, राइट। उसका भी कैलेंडर के अंदर बता दिया जाता है कब आता है। वो जितने भी प्रोफेशनल है, लीगल वाले, IT वाले, उनका भी पेपर होता है इसके अंदर, राजभाषा, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग वगैरह। अब ये जो SBI होता है ना, इसका कोई कैलेंडर नहीं। तो ये जो पेपर है, अभी देखो SBI PO जस्ट हुआ है मेंस, और SBI क्लर्क जो है वो भी चल रहा है इस साल, तो ये अगले साल नवंबर दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो IBPS के चारों एग्जाम है ये अगस्त से शुरू हो जाते हैं। 1 अगस्त में होता है, 1 सितंबर में, 1 अक्टूबर में, 1 नवंबर में, इस टाइप से चलते रहते हैं ये एग्जाम, राइट। इसका कैलेंडर आने वाला है। आप ये समझिए कि आपके पास 8 महीने का टाइम है इन एग्जाम को तैयारी करने के लिए, राइट, और उसके लिए आपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। ऐसे ही अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर को देखूं तो जितने एग्जाम
बैंकिंग के होते हैं उतने ही एग्जाम इंश्योरेंस के हो जाते हैं। कई सारे एग्जाम इंश्योरेंस कंपनी निकालती है, हमारी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC है, NIACL है, जनरल इंश्योरेंस है, इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पेपर निकालती हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। अभी LIC असिस्टेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है, कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है विद ए ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी। और अभी SBI क्लर्क का चल भी रहा है स्टूडेंट्स, SBI क्लर्क जो है उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 दिसंबर, जिसने नहीं अप्लाई किया वो कर लीजिएगा। आगे NIACL असिस्टेंट कभी भी आ सकता है, जनरल इंश्योरेंस में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, LIC EO फिर से आएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। आप मान के चलिए मिनिमम 15,000 वैकेंसी इंश्योरेंस सेक्टर में आती है हर साल, ज्यादा भी हो सकती है। और तो आप दोनों को अगर आप ऐड करें, 30,000 बैंकिंग की और इंश्योरेंस की 15,000, तो 45,000 वैकेंसी आएंगी हर साल, आती है, आगे भी आती रहेंगी, तो 2024 में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इन सब में ग्रेजुएशन मांगी होती है और हर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, राइट? एंड इतना ही नहीं, ये जो आप बैंक की तैयारी करेंगे ना, बैंक टाइप के पैटर्न की, आपके बहुत सारे एग्जाम है जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। RBI, SEBI, NABARD जैसे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम भी आप देते हो तो वो बैंकिंग बेस्ड होते हैं, उनमें कहीं जगह पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, कहीं पे फाइनेंस मैनेजमेंट और कुछ सब्जेक्ट आता है, बाकी आप जितने भी पेपर देखोगे उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA। अगर आप ये एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम दे पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे बैंक PO इंडिविजुअल भी निकालते हैं ग्रुप, जैसे कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक है जो अपने अलग अलग PO भी निकालते रहते हैं। IDBI अपना बैंक अलग से निकालता है, कई बैंक ऐसे अपने अपने पेपर अलग से भी निकालते हैं। तो एक तो IBPS के थ्रू निकलेंगे, कुछ इंडिविजुअल भी निकलते हैं। IBPS SO का भी फॉर्म, जैसे मैंने बताया, स्पेशलिस्ट का पेपर है, ये सब बैंकिंग बेस्ड है। RBI असिस्टेंट भी आता है, RBI का ग्रेड भी होता है और असिस्टेंट भी होता है क्लरिकल लेवल। नबार्ड का ग्रेड ए भी होता है और डेवलपमेंट असिस्टेंट भी होता है, तो ग्रेड ए के पेपर अलग होते हैं और डेवलपमेंट असिस्टेंट अलग होता है। ECGCPO, एग्जिम बैंक, NPS ग्रेड ए, NHB असिस्टेंट मैनेजर, EPFO, SSA असिस्टेंट, CWC, AIC, ऐसे ढेरों एग्जाम हैं, कम से कम ऐसे 20-25 और पेपर होते हैं उनके अलावा जो मैंने आपको पहले बताए ये सारे। तो स्टूडेंट्स, अब इनकी तैयारी के लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है, और बहुत सारे एग्जाम में तो परसेंटेज बार होता ही नहीं, हार्डली 2-3 एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें परसेंटेज बार होता है, अदरवाइज मोस्टली ग्रेजुएशन विदाउट परसेंटेज बार होता है, तो हर कोई इसमें अप्लाई कर पाता है। एंड स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो आप मेजर एग्जाम की देख सकते हैं, ग्रेजुएशन ही सब में चाहिए होता है। SBI PO की एज लिमिट है 21 से 30, IBPS PO की है 20 से 30, SBI और IBPS क्लर्क की है 20 से 28, RRB PO, RRB क्लर्क में 18 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 18 से 30 PO में और क्लर्क में 18 से 28। तो मोस्टली सारे ग्रेजुएट हर एग्जाम को दे पाते हैं। और ज्यादातर इन बैंकिंग पैटर्न में क्या होता है, 2 पेपर तो होते ही हैं, प्री और मेंस। प्री में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ GA भी होता है। ज्यादातर पेपर में ये देखने को मिलता है। अब कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे आप PO के पेपर देंगे तो मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी देना पड़ेगा, और फिर तीसरा राउंड भी वहां पे होता है इंटरव्यू। क्लरिकल में सिर्फ इतना ही होता है ज्यादातर, राइट? कुछ कुछ चेंजेस कहीं पे देखने मिलेंगे, जैसे RRB PO का पेपर देंगे तो वहां पे प्री के अंदर जो है वो इंग्लिश नहीं आता, वहां पे मेंस में कंप्यूटर भी आ जाता है एक्स्ट्रा, तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वहां पे इंग्लिश भी ऑप्शनल होता है, इंग्लिश की जगह आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, वहां पे कंप्यूटर भी आता है, तो इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट मेजर यही है कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA पे कमांड बनानी है, और प्री का लेवल जनरली बहुत आसान होता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, बट मेंस जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो मेंस के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है,
अगर आप ये चारों सब्जेक्ट पे कमांड बनाते हो तो आप बहुत सारे पेपर दे सकते हो। तो अगर मैं समराइज करूं, आपके पास एक बार आपने तैयारी करनी है, बैक टू बैक एग्जाम तैयार है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी एक नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी आपके पास पूरे साल 20-25 एग्जाम आएंगे जो आप सिंगल एक बार तैयारी करोगे, लेकिन पेपर आप 20-25 भर सकते हो और उसमें से एक वैकेंसी लेना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सारी वैकेंसी को कंबाइन कर दो तो बैंक में मैंने आपको बताया था 30,000 वैकेंसी है, इंश्योरेंस में कम से कम 15,000 वैकेंसी आ जाती है, और बाकी की 5,000 भी अगर मान लूं तो 50,000 वैकेंसी तो कहीं नहीं गई जो इन सबको मिला के आपके पास आती है। 50,000 जॉब्स हैं, आपको तो सिर्फ एक चाहिए, राइट? तो एक वैकेंसी जो है वो आप ले सकते हैं अगर आप डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं। 25 एग्जाम दे के आएंगे स्टूडेंट, 20 एग्जाम दे के आएंगे, सब में फेल होंगे ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक एग्जाम आपके लिए जरूर होगा जो आपको जॉब दिलवाएगा। तो अभी से बिना एक एक सेकेंड वेस्ट किए अपनी लाइफ का, बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस होके स्टडी करनी है, चार सब्जेक्ट पे काम करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, राइट? अगर आप इस पे अपने आप को कमांड बना पाए, आप बहुत सारे एग्जाम क्लियर करना शुरू कर दोगे, और एक बार पेपर क्लियर होते गए तो फिर लाइन लग जाएगी पेपर की और फिर आप सोचोगे कौन सी जगह ज्वाइन करूं, राइट? तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी आप ये पेपर क्रैक कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, इन सारे एग्जाम का प्रोसेस 6 महीने का होता है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो कई कई सालों तक अटकते रहते हैं, ये जितने मैंने एग्जाम बताए ये 6 महीने में आपको फाइनल सिलेक्शन, ज्वाइनिंग सब कुछ दे देते हैं। तो इसमें इतना जल्दी रिजल्ट आता है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए। 2024 जो है वो आपका साल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे बताइए कमेंट में, कौन सा एग्जाम है जो आप क्रैक करना चाहते हैं इस ईयर में और करेंगे, और कौन सी है आपकी ड्रीम जॉब, राइट? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक सुपर पैक कोर्स अवेलेबल है जिसमें सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी होती है। हम लोग इसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए तो कवर करते हैं, वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट भी कवर करते हैं, कहीं पे हिंदी आता है, कंप्यूटर आता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इंटरव्यू है, वो सब इसमें तैयारी होती है, और सारे एग्जाम की तैयारी हो जाती है। नॉर्मली बैंक एग्जाम के मॉक टेस्ट भी इसके अंदर आपको मिलते हैं, 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, प्री के, मेंस के, फ्री मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे रहते हैं, और 10 से ज्यादा आपको 10 के आसपास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है उसका। इसके साथ साथ डेली क्लासेस भी होती हैं और आपको वन ऑन वन सेशन भी यहाँ पे मिलते हैं जो आप गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हो। पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपको मिलता है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इवैल्यूएशन और सारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिलती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 35,000 से ज्यादा मिलते हैं, इंटरव्यू की गाइडेंस मिलती है, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एंड वन ऑन वन इंटरेक्शन भी आप बुक कर सकते हो फैकल्टी के साथ। पर्सनलाइज आपको गाइडेंस भी यहाँ पे मिलती है। आपके कई मॉक टेस्ट जो है वो चेक करते हैं फैकल्टी, जैसे डिस्क्रिप्टिव है, जैसे और एक एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट भी होता है जो आपके स्टार्टिंग जीरो लेवल पे लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फीचर है, डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स में जल्दी से ज्वाइन करिए स्टूडेंट, डेली लाइव क्लासेस होती है इसके अंदर, और ये है हमारा फोन नंबर, अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर, एंड आज से आपको आगे के एग्जाम जो 2024 के एग्जाम है, बैंक एग्जाम, उससे रिलेटेड आगे आपको डेली इस चैनल पे वीडियो मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारी वीडियोस बताएंगे, बहुत सारी चीजें आपको अपडेट देंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।